हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो दिस आई वॉज मेकिंग अ हैम्पर ऑन राखी, बट एज द वीडियो इज़ लेट, राखी कब की जा चुकी है, जन्माष्टमी भी जा चुकी है, तो ये एक मैं हैम्पर बनाने जा रही हूँ। तो ये आप कभी भी किसी भी ओकेजन पर किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, रक्षाबंधन पर भाइयों के बच्चों को दे सकते हो, जन्माष्टमी पर कान्हा जी को दे सकते हो, कोई छोटे मोटे वेडिंग फंक्शन के इवेंट्स में किसी को दे सकते हो। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आई होप, ये बास्केट मेरे पास ऑलरेडी थी, मुझे कहीं से रिसीव हुई थी, तो अब इसमें मैं सामान क्या क्या डाल रही हूँ, क्या क्या नहीं डाल रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, ये सब आप देख लो। एंड दिस ऑल थिंग्स कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 250 to 300। नीचे एक लेयर टॉफीज़ की स्प्रेड कर देंगे। अब वो आपका मन है कि थोड़ी करनी है या बिल्कुल एकदम पैक करना है। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रही, बहुत कम भी नहीं कर रही, ताकि ये नीचे का ब्राउन सरफेस ना दिखे, कुछ सुंदर कलरफुल सा एक बेस मिले, जो कि वो एंड में बेस दिखेगा तो नहीं, बट हाँ बाद में जब ओपन होगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे अब ये मेरे पास 4 बॉटल्स हैं लिमका क्या है? मैं भी ट्रायल एंड एरर करके ही देख रही थी, बीच बीच में चेंजेस होंगे, आप वीडियो देखते जाओ, आपको जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा। क्रिएटिव तो लोग आई नो यार, मुझसे भी कहीं ज़्यादा है। ये मम्मा हेल्प करती हुई नहीं, मम्मा ऐसे मैं सोच रही थी ऐसे आ जाती ना तो ज़्यादा बेटर होता, बट वो नहीं आ रही है। कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा घोटाला हुआ। या फिर इसको ऐसे निकालते हैं। कॉर्नर्स से स्पेस हटाते हैं, कॉर्नर्स पे इनको खड़ा कर देंगे, डबल टेप से चिपका देंगे। अब बाकी बचे हुए में टॉफी स्प्रेड कर देते हैं, इस कॉर्नर से भी इसे हटाते हैं, टॉफी स्प्रेड कर देते हैं, मम्मी हेल्प करते हुए टॉफी स्प्रेड कर देते हैं, इस कॉर्नर से भी हटाते हैं और ये यहाँ लग रख देते हैं, डायगनल करते हैं, सेम ही हो जाएगा। और ये टॉफीज बचे हुए सरफेस से कवर कर देते हैं। ये अच्छा लग रहा है। और डबल टेप से यहाँ यहाँ पर इसको चिपका सकते हैं ताकि ये मूव ना करे, तो मैं वो सेम करूँगी थोड़ी देर में। नाइस। और अब ये जितने भी वेफर्स के पैकेट हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें सजा सकते हैं, यहाँ चिपका सकते हैं, यहाँ चिपका सकते हैं, बीच में प्लेस कर सकते हैं, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है। तो जो मेरी क्रिएटिविटी है मैं वो पूरी करके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, ये जस्ट मेरा एक ट्राई है, क्योंकि मेरे पास ये बास्केट थी तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक हैम्पर भी तो मार्केट्स में मिलते ही हैं, तो एक खुद से क्रिएट करते हैं। और ये सारा सामान 200 रुपीज़ में आया है, टॉफीज़, ये बॉटल्स, ये वेफर्स, ये 200 में ये सब आया है। वो नहीं, वो गिफ्ट बच्चों के लिए अलग हैं, ये नहीं, ये सारा सामान 200 रुपीज़ में आया है। और बास्केट तो बिल्कुल ही फ्री थी, क्योंकि ये कहीं से मिली थी जैसा मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये पूरी हैवी बास्केट हो चुकी है, पूरी ऊपर तक भर चुकी है, इसमें नीचे कुछ भी फर या अननेसेसरी चीज़ें नहीं है, जो कि यूजुअली मार्केट हैम्पर्स में आती हैं, नीचे थर्मोकोल या कुछ कुछ आते ज़्यादा उससे भर देते हैं, ऊपर स्टफ कम होता है। तो ये बेसिकली 200 में, क्योंकि बास्केट मेरे पास थी, बास्केट डिडंट कॉस्ट मी एनीथिंग, तो 200 में बास्केट तैयार है। अगर आप शायद बास्केट लेते भी हो तो 150-200 की बास्केट आ जाती है सेम साइज में, तो 400-450 में रेडी आप लोगों का भी हो जाएगा। मार्केट में राखी टाइम पे या किसी ओकेजन टाइम पे लेने जाते हो तो दिस होल थिंग ओनली कॉस्ट फॉर 500-600 रुपीज़। इसको आप यहाँ तक भी भर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी है। तो मेरी इतनी है एंड हियर इज द फाइनल लुक। कुछ भी थोड़ा बहुत और ऐड होगा तो डेफिनेटली ऐड द क्लिप कि लुक कैसा है, बट अभी तक ऐसा ही है। इसी की नेट जब बास्केट आई थी तो इसकी नेट भी रखी थी, हमने संभाल के रखी थी। तो ये मम्मा हेल्प कर रही हैं इसको ऐसे डेकोरेट करने में, थोड़ा ये चिप्स वगैरह बंद भी जाएंगे, गिरेंगे भी नहीं, एंड ये डेकोरेट भी हो जाएगी इसी के नेट से।
हाँ नाइस लवली, जो मैं बता रही थी उससे बेटर है ये नेट और ये फ्लावर। जब ये बास्केट रेडी होकर आई थी ना, जिसने भेजी थी बेबी शावर वाली बास्केट, तो ये सी मैं आया था, हमने संभाल के रखा हुआ था पूरा बास्केट सब कुछ। ये नेट भी अच्छे से डेकोरेट हो गई, ऊपर से टाइप भी हो गए, गिरेंगे भी नहीं, और अब ये इसके ऊपर लगा देंगे तो ये नीट एंड क्लीन सुंदर लुक आएगी। दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक। ये मम्मी गुड जॉब। एंड द हैम्पर बास्केट इज़ रेडी, अंदर से भी अच्छे से फिल हो गई है। ये कुछ साइड्स में थोड़ा ऐसे ही जेली टाइप पैकेट लगा दिए हैं, और कॉर्नर्स पे चार बॉटल हैं सपोर्ट के लिए। ऊपर ये दो चॉकलेट्स लगा दी हैं, ये ऑलरेडी इसी बास्केट के साथ आया ही था, तो ये फ्लावर लगा दिया है। यही नेट इसी बास्केट के साथ था, तो इस नेट से अच्छे से पैक कर दिया ताकि ये चिप्स कहीं गिरे ना। एंड द हैम्पर इज़ रेडी, होम मेड हैम्पर। कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। और ये क्योंकि और ये बास्केट ना मुझे लगता है अब इतना कॉमन हो गया है कि किसी की शादी का इनविटेशन, किसी की बेबी शावर का इनविटेशन आता ही है, मोस्टली सभी के घरों में आ जाता है, लाइक 60-70% तो आता ही होगा। तो ये बास्केट रख लो बस संभाल के, 200-250 में चिप्स वगैरह सब ले लो और अच्छे से अच्छा बना लो, तो एज़ पर योर क्रिएटिविटी। इफ़ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट मी नो कि ये कैसा लग रहा है। जो भी आपके कमेंट्स होंगे वैल्यू की जाएगी, रिप्लाई मैं करूंगी। तो जेन्युइनली बताना कि ये होममेड हैम्पर आपको कैसा लगा, एंड आप भी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई करना किसी ना किसी ओकेजन्स पे, अब तो ओकेजन ही ओकेजन है।